हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक थाकर स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप लोग वेल्थ क्रिएट करने के लिए पैसा लगा सकते हो, रिटायरमेंट के लिए पैसा लगा सकते हो। इस कंपनी के जो फ्रेंड प्रमोटर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के खरीदारी कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप इस कंपनी में अगले 10 साल 15 साल के लिए पैसा लगाते हो भाई, तो आप एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लोगे। तो आप लोग खरीदिए, हर गिरावट में खरीदिए। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख लेता हूँ, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिएगा, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा। अगर फिर उस कंपनी का धंधा अच्छा होगा, उनकी बिजनेस अच्छे होंगे, तभी जाकर वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही फ्रेंड आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देता है। कई भाई लोग हैं वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसकी ना तो प्रॉफिट अच्छी आ रही है ना नेट सेल्स अच्छी आ रही है, तो ऐसी कंपनी फ्रेंड आपका कुछ भी पैसा नहीं बनेगा। अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आता है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं नेट सेल देख लेता हूँ, तो देखो दिसंबर 17 में जो नेट सेल था वो 1183.90 था। दिसंबर 17 में 1183.90 था और दिसंबर 18 हो चुका है वो 1508.44 हो चुका है। तो देख लो इसका नेट सेल कितना जबरदस्त है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज, और किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी काफी शानदार है भाई। दिसंबर 17 में जो टोटल इनकम था वो 1216.45 था, दिसंबर 16 में 1216.45 था और दिसंबर 18 हो चुका है वो 1548.74 हो चुका है। तो देख लो कितना जबरदस्त है भाई इसका टोटल इनकम। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज काफी अच्छे दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी शानदार है। दिसंबर 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 263.07 था, दिसंबर 17 में 263.07 था और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 317.86 हो चुका है, और किसी भी क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एबिटा देख लो, एबिटा भी काफ़ी ज़बरदस्त है। दिसंबर 17 में जो एबिटा था वो 295.62 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 358.16 हो चुका है, और ये भी किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर भाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए दिसंबर 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर था वो 165.92 था, दिसंबर 17 में 165.92 था और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 197.99 हो चुका है, और किसी भी क्वार्टर में इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। पैट देख लो, पैट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। दिसंबर 17 में जो पैट था वो 165.92 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 हो चुका है वो 197.99 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख रहे थे। तो देखिए मार्च 14 में जो नेट सेल था वो 3922.16 था, मार्च 14 में 3922.16 था और मार्च 18 में हो चुका है वो 4592.14 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल ईयर टू ईयर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं भाई। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी काफ़ी शानदार है। मार्च 14 में जो टोटल इनकम था वो 3943.24 था मार्च 14 में,
और मार्च 18 हो चुका है वो 4694.27 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 782.39 था, मार्च 14 में 782.39 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 1113.34 हो चुका है। तो देख लो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना जबरदस्त है, 782 से 1113 हो चुका है भाई। एबिटा देख लो, एबिटा भी काफी शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो एबिटा था वो 803.47 था, मार्च 14 में 803.47 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 1215.47 हो चुका है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ये टू गए काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ये देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर भाई काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए मार्च 14 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर था वो 360.26 था मार्च 14 में, और मार्च 18 हो चुका है वो 670.77 हो चुका है। तो देख लो भाई कितना जबरदस्त है, 360 से 670 हो चुका है। पैट देख लो, पैट जो मार्च 14 में था वो 360.26 था मार्च 14 में, और मार्च 18 हो चुका है वो 670.77 हो चुका है। तो पैट भाई काफी शानदार है। तो मुझे इसका ये टू जल काफी शानदार दिख रहा है भाई। आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइएगा, एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, सुरक्षित कंपनी है आईजीएल का। अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इनका जो बिजनेस है फ्रेंड वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। इस कंपनी का जो प्रमोटर है वो बीपीसीएल और गेल है, तो दोनों ही फ्रेंड स्ट्रांग प्रमोटर है, सरकारी कंपनी है। तो खरीद के रख लीजिए इस कंपनी फ्रेंड, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आने वाले समय में पूरे इंडिया भर में पीएनजी के जो कनेक्शन है वो पहुंचाए जाएंगे। अभी तक हमारे घर में, मैं पटना में रहता हूँ तो मेरे घर में पीएनजी नहीं है, और सीएनजी जो स्टेशन जो फ्रेंड खुला है अभी कुछ ही जगहों पर खुला है। तो धीरे धीरे करके ये जो बिजनेस है फ्रेंड वो और भी फैलेगा। तो आप लोग अभी से ही खरीद के रख लीजिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आवर बिजनेस में आप यहाँ पे देख सकते हो पीएनजी है, सीएनजी है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए गैसेस है। तो कंपनी काफी अच्छी है, खरीद के रख लो, आपको ये वेल्थ क्रिएट करके देगा। हर गिरावट में खरीदिए, कंपनी काफी जबरदस्त है। आईजीएल गैस लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, और आगे फ्रेंड इसी टाइप से रिटर्न बना के देगा। तो देखो 10 साल में जो रिटर्न है वो 1328.51% है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। सेंसेक्स रिटर्न है वो 256.89% रिटर्न है। इस कंपनी को मैं अपने पोर्टफोलियो में बहुत दिनों से रखा हूँ, और आप लोग चाहो तो खरीदो, एमजीएल को खरीदो, आईजीएल को खरीदो, गुजरात गैस को खरीदो, अडानी गैस को भी खरीद सकते हो, क्योंकि ये सब बिजनेस ट्रेंड चलता ही जाएगा। और अगर आप 10 साल 15 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो इसमें से आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकते हो, खास करके आईजीएल और एमजीएल की मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आपका पैसा बनेगा, और ये सुरक्षित भी कंपनी माना जाता है, अच्छा सेक्टर माना जाता है। तो खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए ये सब स्टॉक होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। 3 ईयर में देख लो, 3 ईयर में भी ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 179.37% आने, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। सेंसेक्स रिटर्न है 54.14% आने। 1 ईयर में देख लो, 1 ईयर में रिटर्न है वो 4.80% आने। सेंसेक्स रिटर्न है वो 13.64% आने। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में रिटर्न है वो 15.55% आने। सेंसेक्स रिटर्न है वो 6.94% आने। 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में जो रिटर्न है वो 3.45% आने। सेंसेक्स रिटर्न है 4.09% आने। 1 वीक में रिटर्न है 1.88% आने। सेंसेक्स रिटर्न है वो -0.28% आने। 1 डे में जो रिटर्न है वो -0.47% आने। सेंसेक्स रिटर्न है वो -0.02% आने। तो आप लोग इस कंपनी में हर गिरावट में खरीदिए,
295, 290 के आसपास आता है तो आप बड़ा पैसा भी लगा सकते हो आईजीएल का। अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। तो देखो, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 45% होल्डिंग है, और ये जो फ्रेंड 45% जो होल्डिंग है वो गेल इंडिया का जिसमें होल्डिंग है वो 22.5% होल्डिंग है, और बीपीसीएल का जो होल्डिंग है वो भी 22.5% होल्डिंग है। दोनों को आप प्लस करोगे तो 45% हो जाएगा। एफआईएस का जो होल्डिंग है वो 19.93% होल्डिंग है, तो इस कंपनी में एफआईएस की अच्छी खासी पोजीशन है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो 9.14% का है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है वो 8.39% होल्डिंग है। अदर डेयर के पास जो होल्डिंग है वो 6.18% का है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 11.36% का है। कोई भी शेयर आईजीएल का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एलआईसी के पास जो होल्डिंग है आईजीएल में वो 5.8% का है, तो इस कंपनी पे एलआईसी भी भरोसा करता है भाई। वैल्यूएशन भी मैं आपको आईजीएल का दिखा दे रहा हूँ। पी जो रेशियो है आईजीएल का वो 29.53 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 5.86 का। तो ये स्टॉक लगभग 6 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है। डिविडेंड यील्ड जो है आईजीएल का वो 0.64% का है। आरओसी देख लो कितना जबरदस्त है, 49.39% आरओसी भाई, काफी मुझे शानदार दिख रहा है। आरओई जो लेटेस्ट है वो 19.85% का है। वैल्यूएशन यहाँ पे देख लो वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा आईजीएल का वो 87 से 102 के बीच होगा, जो कि कभी भी नहीं आने वाला। आप लोग खरीदना चाहते हो तो 290 295 के आसपास खरीद सकते हो। हर गिरावट में फ्रेंड इसमें खरीदारी कीजिए, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। मैं ऐसे फ्रेंड कई बार आपके वीडियो बना चुका हूँ, तो खरीदिए, किसी भी प्राइस में खरीद लेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखो क्वालिटी यहाँ पे गुड बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो फाइबर का है वो 7.30% का है। एबिट ग्रोथ जो फाइबर का है वो 12.54% का है। यहाँ पे भी देख सकते हो आईजीएल ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 1329% रिटर्न है, 5 साल में 450% रिटर्न है, 3 साल में 179% रिटर्न है, 1 ईयर में 4% रिटर्न है, ईयर टू डेट में 15% रिटर्न है। तो देखो ये कंपनी कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दे रहा है। तो आप लोग हर गिरावट में इस कंपनी में पोजिशन बनाइए, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है भाई, जो आगे चलता ही जाएगा। खरीदिए और भूल जाइए। आईजीएल का 52 वीक हाई है वो 320 रुपया 30 पैसा है। 52 वीक लो है 215 रुपया 20 पैसा। सेंटीमीटर की बात करूं तो 86% लेवर है बाई कीजिए, 14% लेवर है होल्ड कीजिए। आईजीएल का मार्केट कैप देख लो, मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, 21,630.02 का मार्केट कैप है। आईजीएल का जो फ्रेंड पी है वो 29.40 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है वो 37.50 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले आईजीएल का पी कम है। बुक वैल्यू जो आईजीएल का है वो 15.18 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर जो है वो 10.51 का, फेस वैल्यू 2 का है। और भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। आईजीएल का जो नेटवर्क है वो 3,512.90 का नेटवर्क है। टोटल डेबिट दे सकते हो फ्रेंड, ये एक जीरो डेट फ्री कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट जो है आईजीएल का वो 1,147.69 का इन्वेस्टमेंट है। टोटल जो एसेट्स है आईजीएल का वो 3,512.90 का एसेट्स है। यहाँ पे फ्रेंड दे सकते हो किस टाइप से आईजीएल का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। मार्च 18 में जो नेट प्रॉफिट था वो 174.72 था मार्च 18 में, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 197.99 हो चुका है। तो आप लोग इस कंपनी में खरीदिए, एक जीरो डेट फ्री कंपनी है, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देगा। और हर गिरावट में खरीदिए, जब भी मार्केट खराब होती है तो ये स्टॉक में गिरावट होती है किसी कारण से, तो खरीदिए, बहुत ही जबरदस्त आपको रिटर्न बना के देगा। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और आप लोग आईजीएल को खरीदिए, गुजरात गैस को खरीदिए, एमजीएल को खरीदिए, अडानी गैस को भी खरीद सकते हैं। ये सब कंपनी भाई अगर आप पैसा लगाते हो आने वाले 10 सालों के लिए, तो बहुत बड़ा पैसा बना लोगे।